दीदी स्कूटी से गिर गई और चोट लग गई। क्या क्या क्या? तभी कहूं सुबह से मेरी बाई आंख क्यों फड़क रही थी। हाय मेरी बच्ची। कहाँ लगी है तुझे? दिखा मुझे, ज्यादा तो नहीं लगी ना? हाथ पैर तो ठीक है ना तेरे? चल के दिखा मुझे, चल चल के दिखा। हाय तू तो बोल भी नहीं पा रही, ऐसा क्या कर दिया ऊपर वाले? अरे मम्मी बोलने तो दो कुछ, तभी तो बोलूंगी ना। ये थोड़ी सी चोट लगी है बस हाथ में मुझे। मम्मी सारी सब्जी तो गिर गई। कोई बात नहीं बेटा, सब्जी तो दूसरी भी कट जाएगी। लो सब्जी भी गिरा दी। फुल सीरियल वाली वाइब दे रहे हो आप। इतनी ओवर एक्टिंग क्यों करती हो मम्मी? कहती हूँ ना सीरियल कम देखा करो, ड्रामा क्वीन बनती जा रही हो। माँ के जज्बातों की तो कोई कदर नहीं है। यहाँ मेरी जान हलक में आ गई थी। जब तू माँ बनेगी ना तब पता चलेगा कि माँ होना क्या होता है। फिर शुरू हो गई बोल रही है। वो तो मैंने काला टीका लगा के भेजा था, नहीं तो पता नहीं रब जाने क्या होता। अरे मम्मी बिल्कुल चुप कर, नजर लगी होगी किसी की, पूरे फैशन में जो जाती है बाल खोल कर। जा बेटा अपने डैडी के चमड़े का जूता लेकर आ। लेकिन पता नहीं मेरे दिल में कब क्यों और कैसे ओए, हम तो शॉपिंग पे जाने वाले थे ना, और तू कब से हिंदी सीरियल देखने लग गई? अबे तुझे नहीं पता ये सीरियल नहीं है, पूरी की पूरी महाभारत है। बेटा तू आज के टाइम पे सीरियल्स देख रही है, के ड्रामा का टाइम चल रहा है, सीरियल कौन देखता है? के ड्रामा ये देख। इनकी स्टोरीज ना इतनी इंटरेस्टिंग होती हैं। सपोज कर एक लड़का है जो पिस्टल चलाने में बहुत अच्छा है और ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट भी है, पर एक नाइट उसकी पूरी फैमिली का मर्डर हो जाता है और मर्डर वेपन पिस्टल होती है, जिससे सारा शक उस लड़के पे चला जाता है क्योंकि वो तो गन चलाने में एक्सपर्ट होता है। पर एक बात सोच, वो अपनी खुद की फैमिली को क्यों मारेगा? यार ये तो सीरियल से काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्या नाम है इसका? टू वर्ल्ड्स अपार्ट, लिटरली काफ़ी इंटरेस्टिंग है और जब तू देखेगी ना मजा आ जाना है। यार वो सब तो ठीक है, लेकिन ये कोरियन शो है ना, हमें कैसे समझ आएगा? अबे यही तो, ये ना हिंदी में डब्ड है और बेस्ट क्वालिटी कंटेंट भी है। यार मुझे तो अब काफी इंटरेस्ट आ रहा है, लेकिन तू ये देख कहाँ रही है? ये देख, ये ना अमेज़न मिनी टीवी पे अवेलेबल है, जो कि तू प्ले स्टोर से इजिली डाउनलोड करके बिल्कुल फ्री में देख सकती है। एंड यू नो वॉट, हर वीक नए शोज रिलीज होते हैं, तो तू भी डाउनलोड कर ले मिनी टीवी ऐप और इन्जॉय कर। हाँ यार सही है, चल फिर अब शॉपिंग के लिए चल रहे हैं। नहीं नहीं मैं तो पहले के ड्रामा ही देखूंगी। चुप करके बैठ। अच्छा तो इस काम के लिए मम्मी पुराने जूते संभाल के रखती हैं। पता नहीं किस चुड़ैल शैतान की नजर लगा के ली। इतनी सी चोट पे इतना ड्रामा, इतनी सी चोट बता रही है, बाल बाल बच गई आज। रुक जा भी, वहीं बैठी रहे, नींबू मिर्ची और लेके आऊं। दीप दीप सुनना, कहाँ भागी जा रही है? तुझे घर ही तो जाना है, कौन सा तेरी ट्रेन छूट रही है? मुझे घर जाके अपनी चीयर अप कंप्लीट करनी है। चीयर अप? ये कौन सा प्रोजेक्ट है? दीप सुनना बता तो सही, कौन सा न्यू प्रोजेक्ट है? अबे प्रोजेक्ट नहीं है, के ड्रामा है। हैं? ये लो, एक तो उसके के ड्रामा का भूत ही खत्म नहीं हो रहा, अब ये यहाँ फिर शुरू हो जाएगी। अरे कब खत्म होगा तेरे के ड्रामा का एडिक्शन?
आह, तुम बॉलीवुड लवर क्या जानो कितना सुकून है के ड्रामा में। भले ही वो सुकून एक दो दिन का होता है, क्योंकि मैं तो एक दो दिन में सारा सीजन खत्म कर देती हूँ, लेकिन जिसने एक बार के ड्रामा देख लिया ना, वो इजिली कभी बोर नहीं हो सकता। That beautiful love and cute romantic vibes, handsome male actors and emotional scenes and sweet love songs, they are fabulous, just fabulous. पता नहीं ऐसा क्या खास है K-dramas में। खैर, Bollywood की तो बात ही अलग है। The only romance king हो गया है तुझको तो प्यार सजना, लाख कर ले तू इनकार सजना। हाय मेरे शाहरुख, हो गया तेरा, और मैं कौन सा कंपेयर कर रही हूँ, दोनों अपनी जगह पर ठीक है। व्हाटएवर, नथिंग कैन कम्पीट के ड्रामास, दे आर ऑन नेक्स्ट लेवल। पर तू ना एक बार के ड्रामा ट्राई जरूर करियो, तू कहे तो मैं सजेस्ट करूँ। बढ़िया बढ़िया, कर दे यार, अब तू इतना बोल ही रही है तो देख ही लूँ तेरा के ड्रामा भी। सच्ची? ओके, लेट मी सजेस्ट यू, यू कैन वॉच टू वर्ल्ड्स अपार्ट, वेट लिफ्टिंग फेरी, हार्ट सर्जन्स, विंसेंजो और क्रैश लैंडिंग ऑन यू। ये इतने सारे क्यों बता दिए, एक ही बता देती, अब कंफ्यूज हो जाऊंगी मैं। देख के बताइयो कैसी लगी। मैडम, आपके लेसेस खुल रहे हैं। हाँ, खुद ही बांधने पड़ेंगे, वैसे भी रियलिटी में कोई प्रिंस नहीं आने वाला मेरे लेसेस बांधने के लिए। है? इसका मतलब तुझे पता था कि तेरे लेसेस खुले हुए हैं? वेट कर रही थी कि के ड्रामा की तरह कोई क्यूटी पाई आएगा और मेरे लेसेस बांधेगा। और तूने कार्तिक से ब्रेकअप क्यों कर लिया? मेरे टाइप का नहीं था वो, फालतू का मेल ईगो भरा हुआ था उसमें। अच्छा तो था, मुझे ना ऐसा लग रहा है कि के ड्रामा देख देख के ना तेरा दिमाग खराब हो गया है, तेरी एक्सपेक्टेशंस ना कुछ और ही लेवल पे चली गई है, तू ना सिंगल ही मरेगी अब। ग्रैंडचाइल्ड सालेंगर के ड्रामा। ये हार्ट कैसे बनता है? अबे ऐसे ऐसे करना। तब तो ऐसा होता है कि पत्थर में भी ईश्वर का रूप ले ले और शिला में भी प्राण आ जाए। हम ये तप करेंगे। असंभव, असंभव है ये तप करना। ओए मम्मी जी लू, तू बोल मैं क्या बोलूं? दीदी ओ बोल दे यार, तीन सीरियल तो देख चुकी है मम्मी जी, एक मुकदा नहीं दूजा स्टार्ट हो जाता है ना सीरियल। सुनने तो क्या कह रही है, खुसुर पुसुर करते ही रहोगे, एक डायलॉग ध्यान से नहीं सुनने दोगे। बैठ गए यहाँ। ओ मम्मी जी भूख लगी है, खाना बना दो यार। हाँ बस ये खत्म हो जाए फिर बनाती हूँ तुम्हारा खाना। क्योंकि उसके बाद मम्मी पिछले दो घंटे से यही बोल रही हो, सुबह देख लेना ना, रिपीट तो आता है सब। क्यों देख लेना सुबह, अभी ताजा ताजा आ रहा है, सुबह तक का वेट करूंगी। सुबह तो काम से ही फुर्सत नहीं मिलती है, शाम को एक आधी सीरियल देख लेती है मम्मी तो तुम्हारा खाना ही नहीं पचता। ओ हाले, खाना खाया किसने जेड़ा पचूगा। मम्मी टीवी देखने कैसे बैठ गई, तुम्हारी सेवा में लगी रहनी चाहिए 24 घंटे। जब खुद देखते रहते हो तब तो मम्मी डिस्टर्ब नहीं करती तुम्हें, पूरे दिन के ड्रामा देखते रहते हो, विंज वॉचर बने रहते हो। ओ मैं नहीं देखता मम्मी जी, आई देखती है। कम से कम अच्छी चीजें तो देखते हैं ना मम्मी, रोना धोना और चुगलियां तो नहीं देखते ना। श्रिया की बहादुरी के इनाम को प्योर रखना जरूरी है। ओ हुण तो ऐड आ गई है मम्मी जी, हुण बना लो खाना। ले ऐड कितनी देर की आती है, 2 मिनट की कुल ऐड आती है। अभी तो पता चलेगी सच्चाई उसे कि उसकी भाभी ने जहर मिलाया है दूध में। मेहर ने वीडियो बना ली थी फोन से, अब दिखाएगी पूरे परिवार को, अब आएगी सच्चाई बाहर कि प्रॉपर्टी के लिए मारना चाह रही थी। अब पता चलेगा गायत्री को, बहुत विश्वास करती है ना अपनी बड़ी बहू पे। मुझे तो डर लग रहा है कहीं सीढ़ी से न गिरा दे उसे पहले ही। हे भगवान, बस उसकी सच्चाई सबके सामने रख दे लाके। अरे मम्मी सीरियल्स को इतना सीरियसली क्यों लेती हो, एक्टिंग करते हैं वो सारे, सच में कुछ नहीं होता। ले क्यों नहीं होता सच में, किसी ना किसी की कहानी तो होती होगी, तभी तो दिखाते हैं। हे बाबा जी, मेरे घर में सुख शांति रखना, मेरे बच्चों को सद्बुद्धि देना,
यार ये बबली दीदी इतना गीला पोछा क्यों लगा के जाती है? हाय मेरा दिया कैसे बुझ गया? अब क्या गलत होने वाला है बाबा जी? मम्मी कोई अपशगुन नहीं होने वाला, मैंने फैन चलाया उससे बुझ गया। ये लो पापा का फोन आ रहा है, उठा लो। हाय कहीं उन्हें रास्ते में कुछ हो तो नहीं गया? मैं तो कह ही रही थी मेरा जी घबरा रहा है सुबह से, और फिर दिया भी बुझ गया। उन्हें कुछ हो गया मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मैंने तो कुछ देखा भी नहीं है, क्या करूंगी उनके बिना। हाँ पापा। यार मम्मी आप भी ना, वॉलेट भूल गए हैं पापा, देकर आती हूँ। अच्छा पर्स भूल गए, जा दे आ जल्दी। अच्छी रुक जा, छींक मार दी, दो मिनट रुक के जाइयो। अरे यार मम्मी छींक ही तो है, नेचुरल है, आ गई उससे क्या दुर्घटना होगी। बेटा कल आयशा भी अपनी मम्मी से यही बोल रही थी और नहीं मानी, चली गई, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया उसका। अब ये आयशा कौन है मम्मी? ले इसे आयशा का ही नहीं पता, सिमर की बेटी, पल पल वाले सीरियल में जो है। एक तो इस सीरियल का भूत मम्मी ये सर पे चढ़ के नाच रहा है। खड़ी क्यों है, जा इंतजार कर रहे होंगे वो, मैं अपनी जोत जलाऊं। जा रही हूँ। ओए तूने पहले क्यों नहीं बताया मुझे के ड्रामास के बारे में? पैर उधर कर। यार तूने मुझे पहले क्यों नहीं सजेस्ट किया, कितने अच्छे हैं यार, मैं तो मर ही जाऊंगी। बढ़िया थे ना? बढ़िया यार, अमेजिंग, बहुत अच्छे थे यार, बहुत अच्छे। जितने भी तूने सजेस्ट किए थे ना सारे देखे। क्या बात है, तू तो मुझसे भी प्रो निकली भाई। अब यार इतने अच्छे थे कि इंटरेस्ट ही और बढ़ता जा रहा था, तो मैं देखते गई। यू नो एक और इंटरेस्टिंग ड्रामा रिलीज हुआ है, देखे? तू पागल है, देखेगी? वेट क्यों कर रही है, लगाना। पहले कोल्ड ड्रिंक और चिप्स लिया, उसके बाद देखेंगे। तो मतलब मुझे बाहर जाना पड़ेगा? हाँ तो ले आना, फिर शो के बीच में से नहीं उठने वाली मैं, खत्म होने के बाद ही उठूंगी, तभी तो मजा आता है ना। मतलब तू पूरा सीजन कंटिन्यूअसली देख लेगी? तुझे नहीं देखना क्या? नहीं मैं तो ये कह रही थी कि घर पे कॉल करके बता देती हूँ एक बार, ताकि बार बार कॉल करके डिस्टर्ब ना करे ना कोई। और सुन कोल्ड ड्रिंक और चिप्स भी ले आई हूँ। अरे भाभी अदरक खरीदा जा रहा है, खूब चाय पी जा रही है सर्दी में। अरे भाभी इतने दिनों बाद दिखे हो आप, ईद का चांद ही हो रहे हो बिल्कुल, वैसे तो मुझे भाई साहब ही दिखते हैं सब्जी ले जाते हुए। बस क्या बताऊं भाभी, अब ठंड में निकलने की हिम्मत ही कहाँ पड़ती है, ऐसा लगता है बस घर में पड़े रहो, खाओ पियो और टीवी देखो बस। अरे टीवी से याद आया भाभी, कल सात फेरों से देखा था आपने, कितना बढ़िया आया था। अरे अपने देवर की शादी अपनी बहन से कराने के लिए उसने नित्या का मुंह बांध के ना कमरे में फेंक दिया और वहीं बांधे रखा उसको, उसकी भाभी ने। हाँ देखा था मैंने भी, चुड़ैल एक नंबर की, पूरा घर बर्बाद करके रख दिया उसने, अपने देवर के पीछे पड़ी हाथ धो के, और दूसरी भाभी होने का पूरा असर दिखा रही है। लेकिन दीप की मम्मी प्रेम तो पागल हो जाएगा ना जब उसे सच्चाई पता चलेगी तो, और वहाँ नित्या को मारने के लिए गुंडे भी भेज दिए उसकी भाभी ने, बताओ। अब देखो क्या पता क्या हो, वही तो मेन कैरेक्टर है, क्या पता उसका दूसरा जन्म दिखाए। और क्या, अब यही देख लो ये सेम कहानी कविता की भी तो चल रही है। कविता? अरे हमारे घर से तीन घर छोड़ के जिनका घर है पड़ोसी हमारे, उसकी भी तो तीसरी शादी है, पता नहीं कितनी शादियां करेगी वो भी, पहले दो पति से भी अपना तलाक लेके आई है जबरदस्ती लड़ झगड़ के, और अब यहाँ भी रोज कलेश ही करती रहती है। अब उसका भी तो देख लो, वो भी तो अपनी बहन को लाना चाहती है इसी घर में। अच्छा दिखने में तो काफी भोली सी लगती है वो। अरे काय की भोली, बस शक्ल ही भोली है उसकी, अंदर से तो बिल्कुल तेज छुरी है,
रोज अपने सास ससुर के मरने का इंतजार करती रहती है, बताओ। वैसे सही दिखाते हैं नाटकों में, भाभी आज के टाइम पे किसी पे भरोसा कर ही नहीं सकते। छोड़ो भाभी, हम क्या ही कर सकते हैं। वैसे आज भी सात फेरों से बड़ा अच्छा आएगा, श्वेता की वाट लगने वाली है, पुलिस को कॉल कर दिया है किसी ने। बस ये टीवी वालों की एक आदत बुरी लगती है मुझे, थोड़ी देर नाटक दिखाएंगे फिर एड चला देंगे, फिर आखिर में सस्पेंस दिखा के खत्म कर देते हैं नाटक को। बस अपनी कमाई करनी है कमीनों को, यूं नहीं कि पहले नाटक दिखा दे। अरे कोई नहीं, ऐसे थोड़ा थोड़ा देख के मजा आता है, वरना इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा सीरियल में से। वैसे रामू सब्जियां तो ताजी लेके आता है, मैं भी आज पहले ही खाना बना के रख दूंगी, फिर मेरे सीरियल स्टार्ट हो जाते हैं 7 बजे से। बच्चे चै चै पै पै करने लगते हैं कि मम्मी भूख लग रही है, मम्मी प्यास लग रही है, तो आज पहले ही बना के रख दूंगी खाना। हाँ दीप की मम्मी सही कह रहे हो, मैं भी अपना काम निपटा के ना आराम से सीरियल देखूंगी। ले रामू कर दे पैक, और हाँ इसके पापा बता रहे थे धनिया नहीं डालता, तू धनिया डाल दियो। वीडियो तो दिखाने नहीं दी उसे, खत्म कर दिया सीरियल। चलो कम से कम अब खाना तो मिलेगा। ओ चलो शुक्र है, खत्म तो हो गया। चलो क्या बनाऊं बताओ जल्दी, कुछ भी चलेगा मम्मी, कुछ भी बना दो, बहुत तेज भूख लगी है। अरे ये वाला नाटक तो आज बड़ा अच्छा आएगा, आदित्य के हमशक्ल की एंट्री होगी आज, ये तो जरूर देखूंगी मैं। ओ मम्मी जी खाना, एक काम करो पैसे ले जाओ बाहर से ले आओ कुछ। बाहर से क्या मिलेगा मम्मी, सारी मार्केट बंद हो गई होंगी, 11 बज रहे हैं। ओ यार लगदा आज भी भूख का सोना पड़ेगा। आपके पास सूर्यास्त से पहले का समय है, क्योंकि उसके बाद गुरुजी मौन धारण कर अज्ञातवास के लिए निकल जाएंगे। 后面藏了什么东西啊？没什么。就要出来？你确定要看？小孙你在挑战我是不是？很危险。哦，कितने क्यूट हैं यार ये दोनों। इनका रोमांस कितना अच्छे से बिल्ड हुआ है ना, लेकिन यार इतने सारे एपिसोड्स निकल गए हैं, इन्होंने अभी तक कोई किस या हग क्यों नहीं किया? सही बताओ। मैं भी उसी का वेट कर रही हूँ यार। पर यार ये कोरियन ड्रामास की वजह से ना मुझे कोई लड़का पसंद नहीं आने वाला, एक्सपेक्टेशन ही इतनी बढ़ जाती है, और मैं भी ना किसी को हाँ नहीं करने वाली जब तक कोई मुझे क्वीन की तरह ट्रीट करने वाला ना मिले। तुझे पता है तुम्हें अपने साथ साथ ना मेरी भी एक्सपेक्टेशन बढ़ा दी है यार, पर रियलिटी तो कुछ और ही है ना। यार ये मेन लीड कैरेक्टर कितना क्यूट है ना, अब तो यही आने वाला है मेरे ड्रीम्स में रोज। हाँ जब तक कोई नया ड्रामा नहीं देख रही थी, कल तक तो तुझे जंगे पे क्रश था, अब कोई और ड्रामा देखेगी तो कोई और एक्टर पसंद आएगा। अब क्या करूँ यार, कोरियन शोज के मेन लीड कैरेक्टर होते इतने क्यूट और हैंडसम है, सब पे क्रश हो जाता है। तू देखियो एक बार लाइफ में साउथ कोरिया तो जरूर जाऊंगी, और सबसे बारी बारी मिलूंगी। बाय गॉड, के ड्रामा देखने के बाद ना मुझे भी साउथ कोरिया जाना है। यार ये कोरियन शोज में सिर्फ 16 एपिसोड ही क्यों होते हैं, यूं खत्म हो जाते हैं सारे। यार मेरे हिसाब से ना कभी के ड्रामा खत्म ही नहीं होने चाहिए, क्योंकि यार सूना सूना सा लगता है फिर जब। हट जा, मुझे इंस्टा पे सबकी प्रोफाइल चेक करने दे, देखना है मुझे सबको रियल लाइफ में। अरे वो लीड कैरेक्टर उसका नाम क्या था, एक तो नाम भी नहीं याद होते यार इनके। अबे गूगल कर लेना। ओए मिल गई। ले पूरी टीवी में चाइनीज पिक्चर भर रखी है। मम्मी कोरियन शोज हैं वो, चाइनीज नहीं है, और मैंने देखने के लिए डाउनलोड किए हैं, देखने के बाद डिलीट कर दूंगी। पता नहीं क्या मिलता है इन्हें देख के, फालतू के ड्रामे। मम्मी फालतू के ड्रामे नहीं है, प्यार है मेरा प्यार। अच्छा ये बताओ मैं कैसी लग रही हूँ, ये तूने अपने पापा की शर्ट क्यों पहन ली, पापा के लिए लाई थी ना ये तो। पापा की शर्ट नहीं है, कोरियन स्टाइल है मम्मी। ले कैसा स्टाइल है,
खुद से बड़ी तो तूने शर्ट पहन ली, ऊपर का जितना बड़ा है नीचे का उतना ही छोटा है, ठंड से मर जाएगी। मम्मी पहनी हुई तो है स्टॉकिंग, नहीं लगेगी मुझे ठंड। आप ये बताओ खाने में क्या बनाया है? हाँ जा खा ले, पत्ता गोभी और कोफ्ते बनाए। हाय मम्मी किमची बना लेते साथ में सोजू और रेमियोन। ये तो पागल हो गई है बिल्कुल, पता नहीं क्या ऊट पटांग चीजें देखती रहती है, फिर डिमांडे करती है मम्मी ये बनाओ मम्मी वो बनाओ। चलो कोई नहीं, आप ना शाम को रैमन नूडल्स बना लेना, वो तो इजी होते हैं। फिर भी मैं यूट्यूब से रेसिपी सर्च करके आपको भेज दूंगी, आप फिर बना लेना। एक काम कर तू ना साउथ कोरिया ही चली जा, हमारा पीछा भी छूटेगा तुझसे। सच में क्या मम्मी? और क्या, ना यहाँ तेरी पसंद का खाना मिलेगा, ना तुझे यहाँ कोई लड़का पसंद आएगा, क्योंकि हर किसी में तो तू कमियां निकालती रहती है। आपने तो मेरे दिल की बात छीन ली मम्मी। और वो क्या कह रही थी आप, लड़का? लड़का भी ढूंढ लिया मैंने। आपको फोटो दिखाऊं? चाइनू कितना क्यूट है ना मम्मी। क्यूटू मम्मी, मैं ना अपने ससुराल जाके आपकी इससे वीडियो कॉल पे बात करवाऊंगी। कनिका, अनियन, अनियन मम्मी, खाने कपड़े तक तो ठीक था, ये तो कोरियन दामाद लाने की बात कर रही है। हाय मैं तो मजाक ही कर रही थी। क्या क्या सही बता? तू ना जिंदगी भर सिंगल ही मरेगी। दिखाना दिखाना एक सेकंड। मोस्टली तभी मैंने सोलो लिखा है। करूं?